समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान का 14 अगस्त को जन्मदिन था। मौके पर उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। लंबे समय से जेल में बंद सपा के दिग्गज नेता आजम खान के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। पोस्ट में उनके फोटो के साथ कैप्शन दिया गया, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय आजम खान साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से आपकी उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। सपा की पोस्ट पर कैराना सांसद इकरा हसन ने भी रिपोस्ट करते हुए लिखा, अल्लाह ताला आपके ऊपर आई हर मुश्किल परेशानी को दूर करे, आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। यौमे पैदाइश की दिली मुबारकबाद। आपको ये भी बता दें कि आजम खान के जन्मदिन पर सपा के हैंडल से तो बधाई आई, पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हैंडल से कोई पोस्ट नहीं आया, जिसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बता दें, आजम खान सपा सरकार जाने के बाद से ही कानूनी शिकंजे में बुरी तरीके से जकड़े जा चुके हैं। पिछले 17 महीने की ही बात करें तो उनपे 9 मुकदमों में फैसला आ चुका है, जिसमें 6 में सजा सुनाई गई है, 3 मामलों में वो बरी हुए हैं। आजम खान पर साल 2019 में ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें ज्यादातर न्यायालय में विचाराधीन है, 9 मामलों में फैसला आ चुका है। इनमें एक मामला मुरादाबाद का है, जो 13 फरवरी 2023 को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मुरादाबाद ने छजलैट में हाईवे जाम करने के 8 साल पुराने मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इसी मामले में अब्दुल्ला की विधायकी चली गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त को ही आजम खान के खिलाफ गंज कोतवाली में दर्ज मुकदमे में अंतिम बहस मंगलवार को पूरी हो गई। इस केस में कोर्ट ने पत्रावली को लेकर निर्णय के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। सपा नेता आजम खान साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। उन पर आरोप है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अनुचित रूप से दबाव बनाने की नीयत से अपना वाहन मतदान केंद्र पर ले गए थे। इस मामले में गंज कोतवाली में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। बाद में विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इस केस का ट्रायल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। मंगलवार को इसी केस में अंतिम बहस पूरी हो गई। अदालत ने इस केस को 28 अगस्त को पत्रावली निर्णय लेते हुए तारीख मुकर्रर कर दी है।